हेलो भाई लोग, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मार्वल वाले मल्टीवर्स सागा की बात या कौन सी सागा बनाएंगे और वो सागा किसके ऊपर बेस्ड होगी। वैसे तो यार सबसे पहले नाम म्यूटेंट्स का ही निकल कर आता है, तो यार वो लोग म्यूटेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, सब कुछ आज वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं शुरू। फिर आपको पता होगा यार अभी तो मल्टीवर्स सागा चल रहा है और वो लोग अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे म्यूटेंट्स को, बिकॉज ऑफ यार 20th Century Fox ने सारे ही भाई म्यूटेंट्स यानी एक्समैन के एक्टर्स के भाई कॉन्ट्रैक्ट किए थे 2025 तक। तो इसीलिए जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाते, मार्वल नए एक्टर को कास्ट नहीं कर सकता फॉर अ एक्समैन। इसलिए वो लोग मल्टीवर्स सागा के जरिए भाई दूसरे यूनिवर्स के ही एक्समैन को दिखाएंगे बीच बीच एज अ कैमियो, जैसे कि अभी वोल्वरीन को दिखाएंगे इन डेडपूल 3, पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स को दिखाया इन डॉक्टर स्ट्रेंज 2। इतना जान लो यार कि मल्टीवर्स सागा के एंड होने से पहले तो हमें अपने एमसीयू के एक्समैन देखने को नहीं मिलेंगे। उससे पहले यार अपना मल्टीवर्स सागा चलाएगा मार्वल और यार दूसरे यूनिवर्स के भाई दिखाया जाएगा वही अपने 20th Century Fox वाले एक्समैन। और इसलिए भाई मार्वल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करना चाहता पुराने एक्टर्स का, बट यार उसके बाद कैसे मिलेंगे, तो यार इसको लेकर थ्योरी है मेरे पास। तो यार ऐसी न्यूज निकल कर आई थी अभी कि यार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स सागा को एंड करने के बाद भाई वो लोग टेम्पररी मल्टीवर्स का भी एंड कर देंगे, टेम्पररी, बाद में वो स्टार्ट हो सकता है। फिर उसके बाद यार वो लोग दिखाएंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो अर्थ 616 है उसके आसपास एक और अर्थ पड़ता है जो है प्लैनेट एक्स। जी हाँ गाइस, ऐसे न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मार्वल वाले प्लैनेट एक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यार बहुत लोग कहेंगे कि प्लैनेट एक्स क्या है, तो यार वहाँ म्यूटेंट्स रहते हैं या कहें वहीं एक्समैन की टीम बनी थी, ऐसा न्यूज़ निकल ऐसे भी कॉमिक्स के अंदर हुआ था। तो यार ये होगा कैसे, यानी मार्वल वाले इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो यार प्लैनेट एक्स से पहले यार अपने अर्थ 616 के अंदर भी कुछ म्यूटेंट्स हो गए, एकदम कुछ यार कुछ ही ऐसे इंसान हो गए जिसके अंदर एक्स जीन्स होंगे। तो यार जैसे कि मिस मार्वल, नेमर, ऐसा होने वाले हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि यार प्लैनेट एक्स के हो सकता है ऐसा होगा कि कुछ बंदे हमारे अर्थ 616 में आ जाए, या फिर ऐसा होगा कि यार प्लैनेट एक्स और अर्थ 616 कंबाइन होने लग जाए, ऐसा प्रॉब्लम होता है, कॉमिक्स के अंदर भी हुआ था। फिर उसके बाद यार हमें अपने मेन एक्समैन देखने को मिले प्लैनेट एक्स से, जो यार अपने यूनिवर्स अपने अर्थ पर आए, और वो होंगे वोल्वरीन, प्रोफेसर एक्स, ऐसे वगैरह। उसके साथ साथ यार वोल्वरीन के रोल के लिए भाई एक एक्टर का नाम निकल कर आया है जो है जैक इफ्रन। भाई जैक इफ्रन का कहना है कि यार मार्वल ने उनसे बात की थी वोल्वरीन के रोल के लिए, तो यार हो सकता है कि वो वोल्वरीन प्ले करें इन फ्यूचर। जी हाँ गाइस, तो यार ये अपडेट है, देन यही थ्योरी मेरी निकल कर आती है। बट इसके साथ साथ एक और न्यूज़ ये है कि प्लैनेट एक्स तो आ जाएगा मार्वल के अंदर, बट भाई एक्समैन की जो स्टोरी होगी यानी स्टोरी लाइन होगी इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ऐसा बताया जा रहा है वो कॉमिक्स से उठाई जाएगी। बताओ कौन से कॉमिक्स से? एस्टोनिशिंग एक्समैन, नाम सही लिया हूँ मैंने, और भाई ये कॉमिक्स लिखी थी जॉस विडन ने। तो यार से बताया जा रहा है कि इसी स्टोरी लाइन को कवर अप करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन भाई लोग 2026 से। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई फेज 6 और फेज 7 तक हमें एक्समैन अच्छे से दिखाए नहीं जाएंगे, यानी म्यूटेंट्स दिखाए जाएंगे फेज 7 में, बट पूरी तरीके से फेज 8 से ही हमें एक्समैन की टीम देखने को मिलेगी इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो यार आपको मैं आप कंफर्म हो चुका होगा कि यार पूरा 99% कंफर्म है कि द मल्टीवर्स सागा के एंड के बाद स्टार्ट होगा द म्यूटेंट सागा। इसलिए अगर आपको अभी लग रहा था कि अभी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बहुत टाइम है। तो यार ऐसा होगा दी म्यूटेंट सागा, जहाँ हमें नया वुल्वरीन, नए एक्समैन देखने को मिलेंगे। तो यार आप बताओ एक्साइटेड हो कि नहीं? ऐसा बोला जा रहा है कि दी म्यूटेंट सागा फेज 7, 8, 9, 10 तक चलेगा। तो चलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।